हाँ जी नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं संजय मेहला स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों 4 फरवरी 2023 को जो राजस्थान के अंदर CET की जो एग्जाम हुई थी, उस 4 फरवरी की फर्स्ट पारी के जो जीके के क्वेश्चन आए थे, वो जीके के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आपका आया था कि अग्नि नृत्य कौन करता है, तो अग्नि नृत्य का संबंध किससे है दोस्तों, जसनाथी संप्रदाय से। दूसरा क्वेश्चन, विश्वास स्वरूपम प्रतिमा कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है दोस्तों, राजसमंद में। और किसकी प्रतिमा है, ये तो भगवान शिव की प्रतिमा है। उसके बाद सांपों का लोक देवता किसे कहा जाता है, तो सांपों का लोक देवता किसे कहा जाता है दोस्तों, गोगा जी को सांपों का लोक देवता कहा जाता है। उसके बाद किस सभ्यता के मकान बनाने में इंटों का प्रयोग नहीं किया गया, तो दोस्तों याद रखना इंटों का प्रयोग गणेश्वर जो सभ्यता है उसमें नहीं किया गया, उसके अंदर याद रखना पत्थरों का प्रयोग किया गया था दोस्तों, और ऊपर से जो मकान हुआ करते थे उनके ऊपर घास फूस रखते थे। उसके बाद बादला क्या है, तो बादला क्या है, जस्ते से बना पानी रखने का एक पात्र है, याद रखना। तो बादला क्या है, जस्ते से बना पानी का एक पात्र, ये आपका क्या होता दोस्तों, सही आंसर होता। उसके बाद भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, तो दोस्तों इसकी पहली महानिदेशक कौन बनी, तो याद रखना दोस्तों कौन थी, पूनम गुप्ता। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पूनम गुप्ता। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि तारकसी के आभूषण कहां के प्रसिद्ध हैं, तारकसी के आभूषण दोस्तों, तो तारकसी के आभूषण दोस्तों आपके प्रसिद्ध हैं कहां के, नाथ द्वारा राजसमंद। कहां के प्रसिद्ध है तारकसी के आभूषण दोस्तों, नाथ द्वारा राजसमंद। दोस्तों मिलाते ही जाइए और लास्ट में कमेंट करके बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। उसके बाद ट्रेंच आयोग का गठन किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो ट्रेंच आयोग का गठन है वो किस आंदोलन से संबंधित है, तो याद रखना दोस्तों बेगू किसान आंदोलन से। कौन से है, ट्रेंच आयोग का गठन दोस्तों बेगू किसान आंदोलन से। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वृद्ध राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे, वृद्ध राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, मान सिंह, सॉरी राज सिंह नहीं होगा दोस्तों, इसका होगा मान सिंह। कौन थे दोस्तों, मान सिंह आपके वृद्ध राजस्थान के राज प्रमुख थे। उसके बाद राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र दोस्तों क्या पूछ रहा है, राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, कोटा होगा। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कोटा। उसके बाद अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची कौन सी है दोस्तों, गुरु शिखर, और गुरु शिखर के बाद दूसरी ऊंची चोटी आपकी कौन सी है अरावली की, तो दोस्तों याद रखना कौन सी है, शेरगढ़। तो अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसमें आपका राइट आंसर होता दोस्तों शेरगढ़। उसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा, तो दोस्तों इसका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों होता 8। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उसमें दोस्तों आपका आंसर होता रेखा शर्मा, रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, हिमांग जायसवाल का संबंध किससे है, हिमांग जायसवाल का संबंध दोस्तों किससे है, तो जूडो से है, किससे है, जूडो से। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में किसको शामिल नहीं किया गया, तो दोस्तों इसके अंदर आपका क्या होता, अलवर, किसको शामिल नहीं किया गया दोस्तों, अलवर को। उसके बाद 2022 में दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, 2022 में 68वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों याद रखना किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्मी या सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, दादा साहब फाल्के। विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार फिल्मी या सिनेमा जगत का है ऑस्कर, और भारत में कौन सा है, तो याद रखना दादा साहब फाल्के। ये किसको दिया गया था दोस्तों, तो आशा पारेख को। उसके बाद अपना है अगला क्वेश्चन, नागौर में स्थित झील नहीं है, नागौर में कौन सी झील स्थित नहीं है, तो दोस्तों याद रखना इसमें आपका सही आंसर होता रेवासा सीकर, कौन सा होता दोस्तों, रेवासा सीकर। रेवासा कहां पर है, तो रेवासा सीकर के अंदर है दोस्तों, याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन था कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया, जसवंत थड़ा का निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय की याद में किसने करवाया था दोस्तों,
सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होता? सरदार सिंह होता। उसके बाद पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो दोस्तों आपका कौन सा होता? महेंद्रगिरी। कौन सा होता दोस्तों? महेंद्रगिरी। फिर कलराज मिश्र जो वर्तमान में हमारे राजस्थान के राज्यपाल है, महामहिम है, याद रखना वो कितने नंबर के हैं? तो दोस्तों कितने नंबर के हैं? 41वें नंबर के। कितने नंबर के हैं दोस्तों? 41वें नंबर के। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में राष्ट्रपति आपातकाल कितनी बार लगा है? तो राजस्थान में राष्ट्रपति आपातकाल दोस्तों कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 4 बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिल्ला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना सिल्ला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? आमेर। आमेर वर्तमान का जयपुर। वर्तमान का कौन सा? जयपुर दोस्तों। तो याद रखना सिल्ला देवी का मंदिर कहां पर है? आमेर जयपुर के अंदर। फिर दोस्तों आपके आया था एबोनी वृक्ष है उनका संबंध किससे है? तो याद रखना ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। तो एबोनी वृक्ष है उनका संबंध किससे है? तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है आपके दोस्तों। फिर राजस्थान में वर्तमान में नगर निगम कितने हैं? तो वर्तमान दे दिया इसमें, तो वर्तमान में दोस्तों याद रखना कितने? 10। कितने? 10। उसके बाद भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर कब कितना होगा? 1 अप्रैल 1973। कब हुई थी भारत के अंदर बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 के अंदर। उसके बाद महाराजा श्री उमेद मिल कहां पर स्थित है? तो महाराजा श्री उमेद मिल राजस्थान के पाली के अंदर स्थित है। कहां पर है दोस्तों? राजस्थान के पाली के अंदर स्थित है। फिर आपका आया था गुज्जर प्रतिहारों से क्वेश्चन आया था कि किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने अरबों के ऊपर रोक लगाई थी? तो उसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा याद रखना? नागभट्ट प्रथम। कौन सा होगा दोस्तों? नागभट्ट प्रथम। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था कि जलवायु प्रदेशों में कम वर्षा कहां पर होती है? जलवायु प्रदेशों में कम वर्षा कहां पर होती है? तो दोस्तों BWHW में सबसे कम वर्षा होती है। फिर अहमदाबाद में कितने नंबर के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ या राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण अहमदाबाद में हुआ? तो वर्तमान में 36वां जो संस्करण है वो कहां पर हुआ था? अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था दोस्तों। फिर गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा रहा था 1911-12 के अंदर दोस्तों? रहा था कौन सा? बेरसा रहा था। तो गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा रहा? तो दोस्तों आंसर होगा आपका बेरसा रहा था। उसके बाद दोस्तों आया था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहां के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों काफी चर्चा में रहे ये, क्योंकि जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो सबसे ज्यादा साहस यहाँ के राष्ट्रपति ने ही दिखाया था। तो ज़ेलेंस्की कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो कौन है? ज़ेलेंस्की। कलराज मिश्र कितने नंबर के राज्यपाल है? तो 41वें नंबर के। उसके बाद राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब आया? तो राजस्थान में लोकायुक्त का पद दोस्तों आया था 1973 के अंदर। कब आया था दोस्तों? 1973 के अंदर। फिर सहायक नदी आ गई, देखो सहायक नदी कौन सी है? पेन गंगा। कौन सी? पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों याद रखना किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? गोदावरी की सहायक नदी। फिर मालपुरा करौली का जो मैदानी भाग है वो क्या कहलाता है? तो याद रखना वो बनास बेसिन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? करौली बनास बेसिन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद राजस्थान सूखा संभावे में शामिल नहीं है, तो दोस्तों याद रखना इसमें शामिल क्या नहीं है? राजस्थान सूखा में शामिल क्या नहीं है? गरीबी निवारण। क्या नहीं है दोस्तों? गरीबी निवारण। फिर प्रभा अत्रे जिनको अभी पद्म विभूषण दिया गया है उनका संबंध किससे है? तो याद रखना प्रभा अत्रे का संबंध है भारतीय शास्त्रीय संगीत से। किससे है दोस्तों? भारतीय शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। फिर दोस्तों आ गया मेले से क्वेश्चन। मेले से क्वेश्चन आया कि पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो दोस्तों किस माह में लगता है? कार्तिक माह के अंदर लगता है। उसके बाद क्रिकेट जो हम खेलते हैं क्रिकेट, वो बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनता है? तो दोस्तों जो क्रिकेट का बल्ला है वो किस वृक्ष की लकड़ी से बना होता है? तो किस लकड़ी से बना होता है? विल्लो की। किससे? विल्लो की। फिर दोस्तों आया कि बूंदी कोटा में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो बूंदी कोटा किस में आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर बोली भी कौन सी बोली जाएगी दोस्तों?
हार्ड होती बोली जाएगी। कौन सी बोली जाएगी? हार्ड होती बोली जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री लघु जो उद्योग है उनका संबंध किन से है, तो याद रखना ये उपक्रम, नए जो उपक्रम है उनकी स्थापना करना एवं नए रोजगार देना, बेरोजगारों को नए रोजगार देना और नए नए उपक्रम की स्थापना करना। फिर किशनगढ़ शैली है उसका स्वतंत्र स्वरूप कब आया, किस राजा के समय आया था, तो सामंत सिंह के समय। किसके टाइम पर आया था दोस्तों? सामंत सिंह के समय। फिर भारत ने चंद्रयान प्रथम कब छोड़ा, भारत ने चंद्रयान प्रथम कब छोड़ा, तो दोस्तों सही आंसर आपका क्या होगा? 2008। कब? 2008। फिर दोस्तों आया कि गंभीरी और बेड़च नदियों के ऊपर कौन सा किला स्थित है, तो गंभीरी और बेड़च नदियों पर कौन सा किला स्थित है, तो चित्तौड़ का जो किला राजस्थान का सबसे बड़ा किला है वो किन नदियों पर स्थित है, तो गंभीरी और बेड़च नदियों के ऊपर। फिर बीकानेर में कौन सी नदी बहती है, तो दोस्तों आपको पता है बीकानेर और चूरू के अंदर तो कोई नदी बहती नहीं है, तो बीकानेर और चूरू के अंदर कोई नदी नहीं बहती, तो यहां पर भी कोई नदी नहीं बहेगी, तो इसमें लास्ट आपका ऑप्शन था कोई नहीं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का संबंध, या इसको कौन जारी करता है, तो इसको कौन जारी करता है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन। तो दोस्तों द एडेप्टेशन गैप्स रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन। फिर राजस्थान में ग्राम पंचायतें कितनी है, तो राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं दोस्तों? 11,283। कितनी है? 11,283 वर्तमान में राजस्थान में ग्राम पंचायतें है। फिर सुमित्रा सिंह जो विधानसभा की, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, वो कौन सी विधानसभा से की अध्यक्ष थी, तो उस टाइम पर कौन सी विधानसभा थी, तो दोस्तों याद रखना 13वीं विधानसभा के अंदर सुमित्रा सिंह को महिला अध्यक्ष बनाया गया था, और राजस्थान की पहली विधानसभा की अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी? सुमित्रा सिंह। फिर मानसून का प्रत्यावर्तन कांत की, मानसून वापस कब लौटता है, तो दोस्तों मानसून वापस कब लौटता है याद रखना, अक्टूबर और मध्य दिसंबर के अंदर मानसून क्या करता है, विदाई लेता है, अर्थात वापिस लौटता है। जब वापिस लौटता है मानसून, तो सबसे ज्यादा वर्षा करता है कोरोमंडल तट, अर्थात तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में सबसे ज्यादा वर्षा करता है। उसके बाद शेख अब्दुल हनान जो अभी ग्रेजुएट जो परेड के अंदर शामिल हुए थे, वो किस देश से थे, तो किस देश से था उनका संबंध दोस्तों? बांग्लादेश थे। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 1946 में संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में किसे मनोनीत किया गया, तो दोस्तों याद रखना 1946 संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के किस प्रतिनिधि को के रूप में मनोनीत किया गया, तो किसे किया गया था? हीरालाल शास्त्री को। फिर वरद राजस्थान के राज प्रमुख कौन, तो दोस्तों याद रखना कौन थे? मानसिंह। कौन थे दोस्तों? मानसिंह। फिर राजस्थान के अंदर मरुस्थली कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, राजस्थान में मरुस्थली कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 1977-78 में। कब हुई थी दोस्तों? 1977-78। फिर भगवान बुद्ध की 11 दिवसीय जो इसकी कपिल वस्तु की जो प्रतिमाएं थी, वो किस देश में इसका प्रदर्शन किया गया, तो दोस्तों किस देश में इनका प्रदर्शन किया गया था, तो दोस्तों मंगोलिया के अंदर। कहां पर किया गया दोस्तों? मंगोलिया के अंदर। फिर वन क्षेत्र का प्रतिशत न्यूनतम कहां पर है, तो वन क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कहां पर है, तो दोस्तों कहां पर है आपका? हरियाणा के अंदर। फिर दोस्तों जीवन रक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद दे रखे थे इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो उसमें कौन सा होता है आपका दोस्तों? जीवन रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 के अंदर नहीं है। फिर आपका वाद्य यंत्र से कहा था कि भेरी वाद्य यंत्र का अन्य नाम क्या है, तो भूंगल कहा जाता है। भेरी वाद्य यंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो भूंगल नाम से जाना जाता है। और फिर दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 31 अक्टूबर को। तो दोस्तों जैसे ही दूसरी पारी होती है, दूसरी पारी के भी आंसर हम लेकर यहाँ पर चैनल पर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।